बैक बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सेशन में जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं उसके बारे में एकदम बहुत ही अच्छा लेक्चर्स है। ये सारे लेक्चर्स मैंने देखा तो मतलब कि लोगों को जो जानकारी होना चाहिए वो रियलिटी में नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, आज एक फ्रूट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट और इसका नाम अभी चेंज हो चुका है जिसका नाम है फ्रूट कमलम। और ये फ्रूट कमलम एज लाइक कमल के जैसा है लेकिन ये ड्रैगन, जैसे चाइना में जो ड्रैगन होता है उसके तरह ये दिखता है। और इस फ्रूट्स की क्या क्या खूबियां हैं उस खूबियों की चर्चा मैं करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसको आप लोग आज देखिएगा। और मैं इस लेक्चर में सिर्फ ये खूबियां ही नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा बच्चों कि ये जो फ्रूट्स है ये कैसा दिखने में होता है और आप लोगों ने कौन कौन लोग जो है ड्रैगन फ्रूट को खाए हैं और जो नहीं खाए हैं उसको आप लोग मार्केट से परचेज करके जरूर खाइएगा। आज मैं उसको खरीद के लाया हूँ, इस मुद्दे पे ही मैं ये लेक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका कुछ यूज बता दे रहा हूँ कि जो ड्रैगन फ्रूट है इसका मेन यूज कहाँ हो रहा है, हार्ट में। तो जिस किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हार्ट को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए दो फैटी एसिड का नीड पड़ता है, एक तो है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। बहुत सारे डॉक्टर्स जो कैप्सूल और दवाइयां देते हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होता है लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल फॉर्म में होता है। बट प्यारे बच्चों, ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो है वो नेचुरल फॉर्म में कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा ड्रैगन फ्रूट या फ्रूट कमलम नामक फ्रूट में, यानी कि फल में। तो ये इसका मैं थोड़ा सा इमेज भी आप लोगों को दिखा दूं तो अच्छा रहेगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें होगा, तो आप अगर इसको देख पा रहे हैं तो यही जो है एक ड्रैगन फ्रूट है जिसको नाम बदल दिया जा चुका है, नाम रख दिया गया फ्रूट कमलम। अभी जो करंट अफेयर्स जो आते हैं एग्जामिनेशन में वहां पूछ देता है विच ऑफ द फ्लोइंग द चेंज नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट, तो इसमें से कौन है जो ड्रैगन फ्रूट का चेंज नेम है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में ड्रैगन फ्रूट को क्या कहा जा रहा है, फ्रूट कमलम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आज ड्रैगन फ्रूट को मैं सिर्फ दिखा ही नहीं रहा हूं, इस ड्रैगन फ्रूट को काट के भी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ओके ना। तो बड़ा ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में, आप बने रहिएगा, ध्यान सुनिए। पहला बात तो मैंने ये बताया कि ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जब आपका टीनेजर्स ये एजिंग जब आता है, बुढ़ापा जब आता है, तो ये हार्ट में बहुत हेल्प करता है। आज दिल जिसका तंदुरुस्त बहुत मस्त है, अगर दिल आपका सही सलामत नहीं है तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो सकता है, बाईपास सर्जरी तक का नाम बता जाता है, लेकिन आपको उतना नहीं आना चाहिए। ये छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है जिसको आप खा करके हार्ट का प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज का शिकायत मिलता है, मधुमेह, चिनिया रोग, डायबिटीज है ना, पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है, तो उसके लिए डायबिटीज में भी ये फ्रूट हेल्पफुल है। कैसे सर? क्योंकि डायबिटीज में फ्लेवोनोइड्स और अस्कॉर्बिक एसिड, यानी अस्कॉर्बिक एसिड दैट मींस विटामिन सी और फेनोलिक एसिड, साथ ही साथ फाइबर्स भी पाए जाते हैं इस फ्रूट्स के अंदर। इसको काटूंगा ना इसके अंदर में काले काले बीज दिखाई देंगे, वो काले काले बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 9 और फ्लेवोनोइड्स और अस्कॉर्बिक एसिड एकदम प्रचुर मात्रा में और फाइबर्स एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही फायदा होने वाला है और साथ ही साथ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में हेल्प कर रहा है। और शायद आपको मालूम होना चाहिए COVID-19 कोरोना काल में हम लोग के बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप की बातें हो रही थी, या हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप हो, हम रोग से लड़ने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए बच्चों विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी का गोली लिमजी गोली मार्केट में मिल रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये विटामिन सी आपके इम्यूनिटी में हेल्प करता है, यानी इस ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी भी है। तो नहले पे दहला, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, यानी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो इसमें क्या हेल्प करता है कि लाइपोप्रोटीन, ये जो लिपोप्रोटीन लिखा हुआ है ये हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, जो बीपी को बढ़ा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल को ये रिलीज करता है। जैसे हमारे घरों में जैसे झाड़ू मार रहे हैं तो कचरा निकलता ना भाई, अब मालूम चढ़ा कि वो कचड़े में दो को पंसुआ नोट भी जा रहा था झाड़ू मारते हुए, तो हम लोग क्या करते हैं पंसुआ नोट को भी निकाल के फेंक देते हैं जो जो कचरा वाले जाए। नहीं नहीं नहीं,
तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग निकाल लेते हैं और जो बेकार कचरा होता है उसको हटा देते हैं बॉडी से, या कहने का मतलब है घर से। जस्ट इमेजिन, उसी तरह से सोचिए ना, ये क्या करता है लिपोप्रोटीन, क्या करता है ये लिपोप्रोटीन, कहाँ है, ड्रैगन फ्रूट में। और ये ड्रैगन फ्रूट करता क्या है बच्चों, तो सबसे बड़ा बात तो ये करता है कि ये ड्रैगन फ्रूट हमारे कोलेस्ट्रॉल में, बैड कोलेस्ट्रॉल को, बैड कचरा को, बैड फैटी एसिड को रिलीज कर देता है, हटा देता है पेशाब के थ्रू, मलमूत्र के थ्रू निकाल देता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमारे हार्ट को एकदम सुरक्षा मिलता है, बोले तो हार्ट सही से काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इस ड्रैगन फ्रूट में प्यारे बच्चों क्या है, तो बोन और टीथ को भी हेल्प करता है। जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद ना हमारे हड्डियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत जरूरी चाहिए, तो दूध पीते हैं, दूध से तो भरपाई हो सकता है, लेकिन ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसमें प्रचुर मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ है, काजी भैया, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, खास करके जो प्रेग्नेंट वोमेंस हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उन लोगों के जब माँ के गर्भ में जब बच्चा का विकास होता है, जाहिर सी बात है, सोचने वाला बात है, कॉमन सेंस की बात है, बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसका हड्डी अगर बनेगा तो माँ के ही हड्डी में से तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। जस्ट इमेजिन उस पीरियड में, उस अवस्था में उस महिला को क्या खाना चाहिए, तो ड्रैगन फ्रूट खाना चाहिए, जिससे उस महिला को बहुत हेल्प मिलेगा, उसके बच्चे का सही से हड्डियों का विकास होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। और अर्थराइटिस, ये तो कौन नहीं सुना होगा, अर्थराइटिस बीमारी जिसको बोलते हैं गठिया रोग, दैट इज वेरी घटिया, ओके ना, घटिया क्या बोला, अर्थराइटिस गठिया रोग, जहां जहां ज्वाइंट होता है ना उस जगह पे पेन होता है, ओ माय गॉड, इधर में पेन होगा तो चल जाएगा, लेकिन घुटने में पेन होने लगता है, हाथ में पेन होने लगता है, ज्वाइंट के जगह पे पेन होने लगता है, गर्दन में पेन होने लगता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये अर्थराइटिस में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अर्थराइटिस में भी बहुत ही हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्यारे बच्चों किसमें हेल्प करता है, तो कैंसर, ये भी याद रखिएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट कैंसर में भी हेल्प करता है, मतलब कि ये जो चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को हम और आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने के साथ साथ इसको काट करके भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और काटने के साथ साथ इसका टेस्ट भी किया जाएगा कि खाने में कैसा लगता है। अभी आपके सामने इसका लाइव वीडियो मैं शूट कर दे रहा हूं और इसको आप लोग अच्छा से देखें, अच्छा लग रहा होगा अगर ये वीडियो आपको, तो लाइक जरूर कर दे यार, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में उनको शेयर कर दो कि ड्रैगन फ्रूट खाओ, रवि सर बताए हैं, आप लोग मेरे चेला हैं, सिंगापुरी केला हैं, लेकिन आज बात किसका हो रहा है, ड्रैगन फ्रूट का बात हो रहा है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग अभी काटूंगा और काट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से, ओके बच्चों, चाकू का व्यवस्था किया जाए और प्लेट लाया जाए, है ना, तो इसको काटूंगा, ओके, जो बाकी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई थी आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले चलिए, अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो अब मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लिए होंगे तो अब मैं इसको लेके चलता हूँ प्लेट में, जहाँ इसका अभी जनाजा निकलने वाला है, बोले तो मैं इसको काटने वाला हूँ, ओके ना, चलिए गुड गुड, चाकू लाइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए अब देखिए, है ना, गुड, अब आइए एकदम सीधा टेबल पे, ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से, क्या वीडियो चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा है बच्चों। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको और नीचा कर लूँ तो अच्छा रहेगा, है ना, गुड 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 गुड, चलिए बहुत अच्छा, देखिएगा बच्चों, ओके ना, मैं ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये इसका नीचे वाला पॉइंट जो है, जहाँ पे ये था, ये प्लांट से कनेक्टेड था, और ऊपर का जो सर पोर्शन देख रहे हैं, ये सारे पोर्शन इसके ब्रैक्ट हैं, ओके ना, ये सारे पोर्शन ब्रैक्ट हैं, और ये जो ऊपर का जो यमी जो पिंक कलर का आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका फ्रूट कवर है, ओके ना, ओके,
अब मैं इसको सीधा लंबा काटता हूं, और लंबा काटने के साथ साथ इसके अंदर आप देखिएगा कि काले काले बीज होंगे, देखिएगा आप लोग सीधा देखिएगा, एकदम ज़्यादा नहीं, इसको सीधा लंबा काट रहा हूँ। ओके चलिए, बेड़ंगबली के नाम लेके काट दिया हूँ, गुड गुड गुड, ओके बहुत अच्छा तरीके से ही कटा है, बहुत बढ़िया एकदम फ्रेश, ओके ना, आप जरूर खाया करें, ये देखिए वाव यमी एकदम गजब गजब, ये चीज़ें आप एकदम बड़ा बारीकी से देखिए इसको, इसमें आप काले काले बीज देख पा रहे होंगे, है ना, ये काले काले बीज कीवी जो है ना, कीवी से भी ज़्यादा फायदेमंद है, आपके बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, आपको खास करके डेंगू में जब ये बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसका हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है, देख ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं एक और स्लाइस काट ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक और स्लाइस काट करके इसको मैं निकालूँगा अभी, ओके बड़ा ही अच्छा लगेगा, देख पा रहे हैं आप लोग, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ है ना, एकदम लजीज वाव, ये जो अंदर का जो मैटर है ना बच्चों, देखिए ध्यान से, एकदम मज़ेदार चीज़ है अंदर में, इसको एकदम बोले तो इसका देखिए फ्रूट कवर निकल रहा है, ओके इसको थोड़ा सा बारीकी से खाने का चीज़ है, ओके ना, तो मैं इसको पूरी तरह अच्छा तरीके से इसको मैंने ये कर लिया हूँ इरेज, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे खाता हुआ भी आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपको मैं इसका खाते हुए भी वीडियो दिखा दूँ, जिससे आपको लगे कि सर ने भी खाया है ना। चलिए तो मैं इसको फिर से बोर्ड की ओर ले चलता हूँ इस स्क्रीन को, तब ना दिखा पाऊँगा, ओके गुड 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 गुड, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो बच्चों आपने देखा कि ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे थे सर, है ना, तो इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में मैंने बातें आपको बताया, तो ये ड्रैगन फ्रूट में आप लोग क्या वीडियो में अच्छे तरीके से आ रहा हूँ मैं, ओके तो ये ड्रैगन फ्रूट में आप जो काले काले बीज देख रहे, तिल के जैसे बीज, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके लाइफ के लिए मतलब बहुत लजीज। मैं इसको अभी चेक करता हूँ खा के क्या स्वाद है, ओके ना, उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ, देखिएगा वाओ, मतलब कि मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि इस ड्रैगन फ्रूट में बहुत बहुत दम है, मतलब थोड़ा सा मीठा भी लगा, खट्टा तो नहीं लगा, थोड़ा सा मीठा लगा, और ज़्यादा भी मीठा नहीं लगा कि डायबिटीज वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो, एक होता ना कि मीठा लगा तो हमको मीठा नहीं खाना है, डायबिटीज है ना भाई, नहीं नहीं डायबिटीज वालों को ये मीठा कोई दिक्कत नहीं है, अब बड़ा है मतलब एकदम यमी यमी लगा, यमी एकदम लाजवाब झकास, ओके ना। एक पीस और देख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग कहिएगा तो आप लोग के लिए भी भेज दूंगा, है ना, और इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, बहुत लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ शेयर कर रहा है वहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में हिंदी में खास करके किसी ने बताया नहीं, तो इस लेक्चर को अच्छा तरीके से लोगों के पास पहुँचाएँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये लास्ट स्लाइस आपके नाम, हमारे मुँह में जाम, ओके तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।